हैदराबादी मियाँ भाई यानी इंडियन क्रिकेट टीम के पेस बॉलर मोहम्मद सिराज ने मारी बाजी आईसीसी की बॉलिंग रैंकिंग में हासिल किया पहला मुकाम श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में धुआंधार बॉलिंग करके विकेट्स लेने के बाद सिराज ने मनवाया अपना लोहा और आज की तारीख में बॉलिंग की रैंकिंग में पहले मुकाम हासिल करते हुए तमाम हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया यहाँ इस बात का खुलासा ज़रूरी है कि निज़ामों के शहर हैदराबाद के फसलानस और अहमद नगर से ताल्लुक रखने वाले सिराज सेवन ट्वेंटी नाइन पॉइंट्स के साथ आईसीसी रैंकिंग में पहले मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज बोलर जोश हाज़लेवुड को पीछे कर दिया क्योंकि अब तक जोश हाजलेवुड बॉलिंग रैंकिंग में पहले मुकाम पर थे मगर अब हैदराबादी मियाँ भाई ने अपनी तेज गेंदबाजी से इनसे ये मुकाम भी छीन लिया और जोश हाजलेवुड सेकंड पोजीशन पर आ गए जिन्हें सेवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट्स हासिल हुए और सिराज ने अब तक ट्वेंटी वन वन इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए जुमला थर्टी एट विकेट्स हासिल किए जिनका इकोनॉमी रेट फोर आशारिया सिक्स टू है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिराज ने बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा मेहनत और लगन का मुजाहरा भी पेश किया जिनके बॉलिंग की खास बात यह भी है कि इन्होंने पावर प्ले का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए साल दो में बीस से जायद विकेट्स लेने वाले बॉलर भी बन गए जिसके बाद से हमारी टीम इंडिया अब बॉलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मज़बूत हो चुकी है क्योंकि टीम इंडिया में सिराज के अलावा मोहम्मद शामी और उमरान मलिक जैसे पेस बॉलर्स आ चुके हैं हालांकि इससे पहले हमारी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है अगर हैदराबादी मियाँ भाई सिराज इसी तरह से अपनी बोलिंग का सिलसिला जारी रखेंगे तो यकीनन इन्हें साल दो में होने वाले वर्ल्ड कप में हमारे मुल्क की टीम इंडिया का हिस्सा भी बनाया जा सकता है क्योंकि आने वाला ये वर्ल्ड कप यहाँ हिंदुस्तान में ही खेला जाएगा तो इस मौके पर हम हमारी टीम की तरफ से हैदराबादी मियाँ भाई सिराज भाई को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनके लिए अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार करते हैं